सो भाई लोग, आज हम सुबह सुबह सो रहे थे, 9:30 बजे एक सिस्टर का फोन आया पटियाला पंजाब से। उनका नाम था मनप्रीत कौर। कहेंगी सानू सत श्री अकाल जी। मैंने कहा सत श्री अकाल, तो कुछ वो पंजाबी में बोलने लगी। मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मेरी नींद खुल गई। हमने कहा है क्या कर रही हूँ मैडम आप? कहेंगी शादाब सर बोल रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ। कहेंगे मैं मनप्रीत कौर बोल रही हूँ पटियाला पंजाब से, मुझे पीसी चाहिए। अरे हमने कहा मैडम 8:30 9:30 बजे बता दे। हमने कहा सुबह सुबह फ़ोन कर दिया आपने, इतने तो को सो रहे होंगे। तो कह लेंगी कि जो है सॉरी फॉर दैट। तो उनका ये पीसी है जो कि ऑर्डर आया हमारे पास पटेल पंजाब से। कौन कौन पंजाब से बिलोंग करता है, हाजिर लगाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो मैं हूँ पंजाब से। और या आज आप इस वीडियो में कमेंट करो, देखिए कौन कहाँ कहाँ रहता है, और लाइक करो वीडियो को। सो व्हाट्स अप लोग, कैसे हो सब? जी शराब खान, वेलकम टू मिस्टर पटियाला, नहीं पटियाला कहना, पटियाला पंजाब वाले। और आज का पीसी आया है भैया पंजाब से। तो इनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरे पास मात्र बाबा 1,35,000 रुपए हैं। मैंने कहा ठीक है मैडम। कहने की 1,35,000 में मैं पीसी लेने आऊंगी, एडवांस कर रही हूँ आपको। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये एएमडी बेस चाहिए, सेकंड रिक्वायरमेंट ये आरटीएक्स 4070 ग्राफिक कार्ड चाहिए, और थर्ड रिक्वायरमेंट ये थी इनकी कि 32 GB रैम मिनिमम चाहिए। फोर्थ रिक्वायरमेंट थी कि 8 कोर 16 थ्रेड से नीचे का प्रोसेसर नहीं चाहिए। हमने कहा भैया इतना जब सब कुछ आप लोगी तो 1,35,000 में नहीं आएगा, क्योंकि 1,35,000 में हम देंगे आपको लेटेस्ट जनरेशन एएमडी के Ryzen 7 सीरीज। अब Ryzen 7 सीरीज के में प्रॉब्लम ये है कि 7 सीरीज में आप कैसे ले सकते हो, आपके बजट में आएगा ही नहीं। 7 सीरीज आपके बजट में स्टक होगी नहीं। 1,35,000 रुपए में आपको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे बजट अपना इंक्रीज नहीं करना है, मुझे इसी बजट में पीसी चाहिए। तो मैंने बोला कि अब हम जो देंगे वो आप समझो वो लो। मुझे पता है आप लोग इस वीडियो में गाली देने वाले हो, लेकिन देखते रहना, चीज़ बहुत अच्छी आपको देने वाले हैं हम, बहुत जबरदस्त चीज़। 1,35,000 के बजट में देखते रहना। वीडियो को शुरू करते हैं ये। सो भाई लोग, सबसे पहला कॉम्पोनेंट हम लोग इस बिल्ड में यूज करने जा रहे हैं, वो यूज करने जा रहे हैं कूलर मास्टर कैबिनेट MB 520 MB 520 कैबिनेट हम इसमें यूज करने जा रहे हैं, जो कि आपके सामने दिख रही होगी। फ्रंट में आपको 3 फैन मिलते हैं ARGB, एक फैन पीछे नहीं मिलता है। टॉप पे आप इसमें 2 120 240 से लेकर 360 mm लिक्विड कूलर तक का सपोर्ट मिलता है। आप इसमें अपना लिक्विड कूलर लगा सकते हैं। और आईओ पोर्ट्स की बात करें, 3.0 का एक पोर्ट है, USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, और हेडफोन जैक, माइक जैक और पावर रीसेट बटन सब कुछ आपको इसमें साथ में मिल जाता है। तो ये रहा हमारा पीसी जो कि हम लोगों ने कैबिनेट जो कि इस बिल्ड में यूज़ की है, 2 कलर में आती है, ब्लैक एंड वाइट कलर। सो वाले उसके बाद जो SMPS हम लोगों ने इसमें यूज किया, वो यूज की है कूलर मास्टर की तरफ से वाली, कूलर मास्टर MWE 750W 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड की पावर सप्लाई यूज की, जो कि आती है 5 ईयर्स वारंटी के साथ। बहुत कंटेंट में क्या मिलता है, SMPS मिलती है, पावर केबल मिलती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं साथ में आपको। कूलर मास्टर मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरा जो कंपोनेंट हमने इसमें यूज किया, वो यूज किया मदरबोर्ड, जो कि यूज किया गीगाबाइट की तरफ से वाला गीगाबाइट B550 गेमिंग XV2। तो भाई साहब फुल 80s मदरबोर्ड हम लोगों ने इसमें यूज किया है। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको 2 SATA केबल मिलती है, मदरबोर्ड कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं, बाकी मदरबोर्ड फुल 80x है, और 2 NVMe के स्लॉट मिल जाते हैं आपको, 2 GPU के स्लॉट मिल जाते हैं। और एक चीज और, अब आप बोलोगे शादाब भाई DDR5 मदरबोर्ड आपने क्यों यूज नहीं किया? DDR5 मदरबोर्ड ना यूज करने की वजह भाई लोग ये थी कि हमको इसमें भैया प्रोसेसर 5th जनरेशन का लगाना था, क्योंकि अगर आप वो कर लो, चलो फिर एक आप लोगों को टास्क देते हैं आज, आप लोग जरा कमेंट में एक कॉन्फिगरेशन डिसाइड करके हमको लिख के दो AMD की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेल भैया, मैडम को मंत्री जी को चाहिए था AMD की एक कॉन्फिगरेशन लिख के दो। 1,35,000 में हम क्या क्या दे सकते हैं उनको DDR5 पे, चलो मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। क्या फिक्स क्या रखना है आपको, 4070 फिक्स होना है, 32 GB रैम फिक्स होनी है, और 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर फिक्स होना है, इतना आइटम फिक्स होना है, उसके बाद आप बताओ कि हम उसमें क्या दे सकते हैं। ठीक भाई। सो गाइज, अगर आपको भी कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड करना है तो सबसे पहले हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम शादाब खान, ये आपकी भाभी निशी भाभी, आप अंकित कुमार शर्मा। तो हमारा जो स्टोर का नेम है मिस्टर पीसी वाले, सिचुएटेड है हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगर आपको कोई इसी तरीके से पीसी बिल्ड कराना है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट खोल के देखिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे हर स्टेट वाइज लिख रखा है कहाँ कहाँ हमने शिपिंग की है।
अगर आपको हमसे पीसी परचेस करना है तो अभी हमारे पास टू वेज है। सबसे पहला वेज है व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्या है 9532777615। वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज करिएगा और आपको जल्द से जल्द रिवर्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा व्हाट्सएप पे, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, आपको रिवर्ट मिल जाएगा। बाई चांस रिवर्ट नहीं मिलता है, क्या नंबर क्या है 9532777615। अदरवाइज जो सेकंड ऑप्शन हमसे कॉन्टेक्ट करने का है वो मैडम क्या है? सेकंड ऑप्शन है इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यूजर हैंडल है हमारा मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस। वहाँ पे जाके आप डीएम कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको एक ऑटो जनरेटेड फॉर्म मिलेगा जिसे आप फिल कर दोगे। वहाँ पे मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी और फिर हम बात करेंगे। और हाँ, फेक पेज से बचना, हमारे बहुत सारे हमारे नाम के फैन पेज फेक पेज बने हुए हैं, तो प्लीज उनसे बचना, बचिए ठीक। और इसके अलावा अगर आप चाहते बताएं आपको, हम लोगों ने इंडिया के काफी बड़े बड़े गेमर्स के पीसी बिल्ड किए हैं, जैसे अंतर्यामी गेमिंग, बंदूकबाज, साइबर, एंड्रियोबी, किलचोर, राही, मतलब एटसेट्रा सारे। और आपको बताएं इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, व्हाट्सएप नंबर का भी, सारे यूट्यूबर अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, तो आप हमसे भी इसी तरीके पीसी ले सकते हैं। इतनी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हमारी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद जो हमने इसमें प्रोसेसर यूज किया, वो यूज किया AMD Ryzen 7 5800X, 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर यूज किया हम लोगों ने। और इस प्रोसेसर को यूज करने की वजह हम फिर आपसे बोल रहे हैं यही थी, क्योंकि बजट का इशू था। इस वजह हमने बहुत कोशिश की कि 35 के बजट में यार 32GB रैम, जेन 4 NVMe और 4070 को मद्देनजर रखते हुए शायद कुछ बजट हमारा कम हो कि हम DDR5 दे सकें, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, तो इसलिए मजबूरन हमने इसमें 5800 प्रोसेसर यूज किया है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा प्रोसेसर है। उसके बाद जो लिक्विड कूलर भी हमने इसमें यूज़ किया है उसका कोर्सेयर का, कोर्सेयर H150 RGB लिक्विड कूलर है, 360mm का लिक्विड कूलर आता है, जिसमें आपको 3 फैन मिलते हैं ARGB टॉप पे, और तीनों आपको ARGB फैन है भाई साहब। और बिल्ड क्वालिटी वाइज लिक्विड कूलर बहुत अच्छा, बॉक्स कंटेंट में भाई 3 फैन निकलते हैं, लिक्विड कूलर निकलता है, CPU हेडर निकलता है, रेडिएटर हेडर निकलता है, और इंस्टॉलेशन किट मिलती है। बात करें प्राइस की, शायद 9500 से लेके 10500 11000 इसके बीच इसका प्राइस सर्कुलेट हुआ करता है। डिस्क्रिप्शन में प्राइस का चार्ट मैंने डाल दिया है, आप खोलो आपको सारे प्राइस मिल जाएंगे फटाक से। उसके बाद जो इसमें हम लोगों ने रैम यूज की है, वो यूज की है T4s की तरफ से आने वाली T4s डेल्टा 16x232 MHz की रैम यूज की है, 3200 MHz की 16x2 यूज की है T4s की रैम, मतलब 10 ईयर्स की वारंटी आती है। और रैम का बिल्ड क्वालिटी, लोग सील से लंबा सब एकदम फट टू फट है, मतलब कट टू कट है, जबरदस्त है। 32GB रैम हमारे पास मजबूरी थी, 32GB रैम से नीचे हम इनको नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने बोला था शादा भाई मुझको 32GB रैम ही चाहिए। मैंने नींद में बोला ठीक है भाई, बोल तो दिया, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ये हुई कि मैनेज नहीं हो पा रहा था 32GB रैम। बात करें प्राइसिंग की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, चेक कर लीजिएगा आप। उसके बाद जो हमने इसमें स्टोरेज यूज़ किया है, वो प्राइमरी स्टोरेज यूज़ किया है जेन 4 की 1TB NVMe यूज़ की है, जिसकी रीड आती है 2300 MBPS, कितनी 7300 MBPS की स्पीड आती है, और 6000 आती है इसकी राइड स्पीड भाई साहब। हीट सिंक भी मिलती है साथ में, NVMe मिलती है, सब कुछ मिलता है, NVMe हमारी बहुत अच्छी है, जेन 4 है तो कोई डाउट ही नहीं, जेन 4 NVMe भी इन्होंने बोला था, उन्होंने कहा ठीक है आप जेन 4 NVMe भी लीजिए। उसके बाद हम उसमें ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का G4 RTX 4070 गेमिंग OC 12GB का वेरिएंट, 12GB का ग्राफिक कार्ड है हमारा, ट्रिपल फैन आता है विद RGB के साथ आता है। और अगर आप चाहो तो ग्राफिक कार्ड 4060 Ti ले लो, तब आपका DDR5 पे PC आराम से बन सकता है, बट इन्होंने कहा था कि मैं ग्राफिक कार्ड यही चाहिए, मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी आप लीजिए, गेमिंग OC है, ट्रिपल फैन, सेल नंबर सब आपके सामने था, अनबॉक्सिंग वॉक्सिंग सब आपने देखी ली, कैसा लगा कार्ड आप कमेंट करके बताइए। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बिल्ड को शुरू करते हैं।
सो भाई लोग ये रहा हमारा पीसी जो कि बिल्ड होके रेडी हो गया, क्या शानदार लग रहा है। रेड कलर में देखिए आप, तीन फैन इसके मस्त लग रहे हैं जबरदस्त, और साइड से आप देखते हैं सब कुछ इसने रेड कर रखा है हम लोगों ने इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू। देखिए तीन पे तीन टॉप फैन हो गए, रैम हो गई और आपका सीपीयू हेडर हो गया, ये भी सब रेड कर रखा है, इसको रेड पे सेलेक्ट कर रखा है हम लोगों ने। कैसा लग रहा है आप बताओ, बहुत ही शानदार। पिछले कि वायर लटक रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, हट जाएगा। ये रहा हमारा ग्राफिक कार्ड जो कि लगा है गीगाबाइट का जीफो आरटीएक्स 4070 गेमिंग ओसी ट्रिपल फैन कार्ड है, आरजीबी है इसमें, फैन में नीचे आरजीबी दी हुई है, जब फैन चलेंगे तब आरजीबी इसकी चलेगी। कैसा लग रहा है पीसी कमेंट करके बताओ, बहुत ही शानदार लुक लग रहा है यार। ये जो तीन फैन टॉप पे लगे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, गीगाबाइट के लोगों में भी आरजीबी आ रही है रेड कलर की, बस एक पीछे फैन नहीं लगा है उसकी कमी है, अदरवाइज ठीक है, तीन फैन आपको आगे मिल जाते हैं। ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट, अरे भैया क्या जबरदस्त केबल मैनेजमेंट हुआ है भैया, मिस्टर पीसी वाली की टीम को एक बार थैंक यू तो बोलिए आप लाइक करके, इतने महंगे पीसी में इतना अच्छे केबल मैनेजमेंट किया है, और लोग देखो ठूस देते हैं खाली बस, आप कुछ नहीं करते हैं, हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अपने आपका पीसी बने। अगर पीसी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो भैया, आओ शुरू करते हैं इसके बेंचमार्क पे। गेम हम दिखाने जा रहे हैं आपको गॉड ऑफ वॉर, और गॉड ऑफ वॉर गेम में आपको अल्ट्रा सेटिंग पे 130 से 190 के आसपास आपको FPS इसमें मिल रहे हैं। अब आप गेम को एंजॉय कीजिए। सेकेंड गेम हमारा शुरू होने वाला है इसमें GTA 5 में भी हमने सेटिंग रखी इसमें वेरी हाई, और GTA 5 में आपको आपको जो FPS मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 90 से 160 के बीच में। अब इसकी बेंचमार्क को आप एंजॉय कीजिए। हेलो, बिल्ड कैसा लगा कमेंट करके बताना हमारी तरफ से। तो भाई मंत्री जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको, आपका पीसी पंजाबी मुझे आती नहीं ना, मैं पंजाबी में आपका शुक्रिया जरूर अदा करता। कैसा लगा पीसी काउंट करके बताइएगा, कोई नया पीसी पैक करना है 9532777615 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और उसके अलावा आप अगर हमको इंस्टाग्राम पे DM फॉलो कर सकना चाहें तो कर सकते हैं, मिस्टर पीसी वाले विदाउट एनी स्पेस हमारा यूजर हैंडल है, वहाँ से भी हम ऑर्डर लेते हैं, वहाँ से आप अपनी भाभी से बात कर सकते हैं, आपकी भाभी का नंबर है 9026640060, ये दो नंबर हमारे हैं, दोनों पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना पीसी को बाय कर सकते हैं। ठीक भाई, आज के लिए इतना ही, एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुशी सेफ रहिए, ऐसी दोस्ती बनाए रखिए, जल्दी मिलते हैं इस वीडियो में, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, सी यू ऑन दी नेक्स्ट वीडियो।